जैसा कि आप हजरत को बारी में 10 अक्टूबर 2021 को बलूचिस्तान के जिले के इस इलाके हिसाब से फ्रंटियर कोर की जानिब से आम आबादी पर मात्र गोले फायर किए गए, जिससे हमारे 2 कमसिन बच्चे शराफी और अल्लाबश शहीद हो गए, जबकि 1 और कमसिन बच्चा नासिर जख्मी हो गया, जो ताहाल लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इस सालिया के फौरन बाद अमला वाइफी ने अपने बच्चों को की लाशों को लेकर तुरपत शहीद सदा चौक पर करने का आगाज किया। 3 दिन मुसलसल हम तुरपत शहीद सदा चौक पर मासूम बच्चों के साथ लाशों के अमरा धरना दिए हुए थे, लेकिन हुकूमत और के इंतजामिया हमें इंसाफ फराहम करने के बजाय मुसलसल हम इस बात पर आमदा करने की कोशिश कर रहा था कि आप पैसे लेकर लाशों को दफन करें। तुरपत में हुकूमत और इंतजामिया के रवैयों से मायूस होकर हम अपने बच्चों की लाशों को लेकर क्वेटा में गवर्नर हाउस के सामने पहुँच गए। आज 5वां दिन है, हम अपने बच्चे कमसिन बच्चों के लाशों के साथ यहाँ गवर्नर हाउस के सामने धरने दिए हुए हैं, लेकिन इन 7 दिनों में हमारे पूरे बलूचिस्तान के अवाम सानिया के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। मोहतरम साफी हजरात, इस तमाम धरने के दौरान हुकूमत बलूचिस्तान और इंतजामिया की रवैया इंतहाई मायूस कुन था। हुकूमत हमें इंसाफ फराहम करने और हमारे बच्चों के कातलों को गिरफ्तार करने के बजाय हमारे बच्चों के कातलों को तहफ़ कर रहा था। हम गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल दरोग गोई पर मबनी था, जिसमें उन्होंने कहा कि लवाकिन के तमाम मुतालबा तस्लीम किए गए हैं और सियासी पार्टियां इस धरने में लवाकिन को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम वाजा करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के कातिल एसी के एहलकार हैं और शुरू दिन से हमारे खानदान का मुतालबा था कि हमारे बच्चों के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, जबकि हमें ना कोई सियासी पार्टी इस्तेमाल कर रहा है और ना ही धरने के मुतालबात सियासी पार्टियों की जानिब से पेश किए गए थे, जबकि सियासी पार्टियां हमें सिर्फ इखलाकी सपोर्ट कर रहे थे और इनका फ़र्ज था, जबकि वज़ीर दाखला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़हमत तक नहीं की कि वो 2 मिनट की इज़हार हमदर्दी के लिए तशरीफ़ लाए। इसके बरअक्स हुकूमती नुमाइंदों मीडिया में सिर्फ दरोग गोई का सहारा ले रहे थे और हमारे धरने को मुंतशर और नाकाम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे थे। मौज़े साफ़ी हज़रात, गुज़िश्ता रोज़ साबिका सदर पाकिस्तान बार कौंसल और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे इस दर्रे में तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि हम कानूनी तौर पर इस केस को लड़ेंगे और लवाकिन को इंसान फराहम करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जमा करवाई। इसके बाद बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें बलूचिस्तान कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगानी और जस्टिस अमित बलोच शामिल थे, जिन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पर समाअत की, जिसमें उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डीसीकेच एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान और नायब तहसीलदार ओशाब को तलब किया, जिसमें हाई कोर्ट बलोचिस्तान ने फैसला किया FIR लवाकिन की मुदैयत में FC के खिलाफ दर्ज की गई और DCKH AC तुरपत और नायब तहसील ओशाब को मुअत्तल किया गया और लवाकिन को तहफ़ फराहम करने का हुक्म जारी किया गया। हम लवाकिन साबिका सदर पाकिस्तान बार कौंसल और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस अमित बलोच के बेहद मशकूर हैं। उन्होंने हमारे बच्चों के तमाम कातिलों के खिलाफ FIR दर्ज करने में हमारी मदद की और हम गरीबों की आवाज़ बने। हम साबिका सदर पाकिस्तान बार कौंसल और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की दरख्वास्त और अहम मुतालबात पूरा होने के बाद आज शाम धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। जब हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक मरतबा फिर अपील करते हैं कि हमारे बच्चों के कातलों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाए, इन कातलों को सज़ा देकर इन मासूम शहीदों को रूह तस्कीन पहुंचाया जाए, इसके साथ हम लवाकिन को मुकम्मल तहफ़ फराहम किया जाए, क्योंकि हमें खदशा है कि इस एहतजाज की पादाश्त में हुकूमत और इंतजामिया हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाएंगे। अगर हम इसके बाद हमारे ख़ानदान के किसी भी फर्द को हुकूमत या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचा तो हम किसी भी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। हम लवाकिन वो तमाम क़ुव्वतों को बेहद मशकूर हैं जिन्होंने इस पुरअमन धरने में हमारा भरपूर साथ दिया और हमारा आवाज़ बुलंद की। आखिर में हम एक अहम ऐलान करेंगे
कि हम अपने शहीद बच्चों को कल सुबह 11 बजे शोधा कब्रिस्तान न्यू कहान में दफनाएंगे। हम बलूचिस्तान भर से आवाम से गुजारिश करते हैं कि वो कल शोधा के जनाजे में शरीक हो और इन्हें खराज अकीदत पेश करें। कल का जनाजा जो है वो 11 बजे होगा शोधा कब्रिस्तान न्यू कहान। अभी हम कामरा मुर्तजा साहब से कहते हैं कि वो हमें जो फैसले हुए हैं उनको यकीन दहानी कराने के लिए मीडिया से बात। क्योंकि हम सब पॉलिटिकल वर्कर भी हैं तो इसकी इल्ज़ाम आ जाएगा कि हमने जो सियासी बात की है, सियासी बात बिल्कुल नहीं करूँगा, सिर्फ कानूनी बात करूँगा। ये बच्चे नाको महराब के नहीं थे, ये बच्चे बलूचिस्तान के थे, ये बच्चे मेरे थे, ये बच्चे आपके थे। बच्चे मारे गए, ये आपके बच्चे मारे गए, ये बच्चे मारे गए, ये मेरे मत बच्चे मारे गए, ये बच्चे जो मारे गए ये नाको महराब के बच्चे, हम सब के बच्चे जो है ना ये मारे गए। सिर्फ ये नहीं कि ये बच्चे मारे गए, इससे पहले भी बहुत सारे लोग मारे गए, इससे पहले भी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। मैं ही समझता हूँ कि अगर बलूचिस्तान का मसला अगर ये ताकतवर हल करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार सिर्फ यही है कि ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनको मंजर-ए-आम पे लाया जाए। ये जो अपने लोगों को कत्ल करने का सिलसिला है, ये अपने लोगों को कत्ल करने का सिलसिला बंद किया जाए। हर मुल्क, हर रियासत अपने शहरियों का एहतराम करती है। हर रियासत जो है वो अपने शहरियों को मुकद्दस जानती है। तो ये शहरी भी इतने ही मुकद्दस है जो दाएँ बाएँ रहने वाले लोग जितने मुकद्दस हैं। उनके बच्चे जितने मुकद्दस हैं उतने नाको महराब के बच्चे भी मुकद्दस हैं और मेरे और आपके बच्चे भी मुकद्दस हैं। कानूनी तौर पे ये हुआ कि कल जो है परसों हम आए थे इनके पास, हम उससे पहले मैं था नहीं इधर, और परसों हमारे कुछ दोस्त बाहर से आए हुए थे इलेक्शन के हवाले से, तो वो उनको जब पता चला तो उनमें से बाज़ लोग आके रोए भी, यहाँ पे धरने में रोए भी, और रोते हुए उन्होंने कहा कि ये क्या आप जो वकील यहाँ पे रहते हैं आप लोगों को कोई शर्म नहीं आती, कोई याद नहीं आती कि ये आप अपने लोगों के साथ जो है ना इस तरह से जुल्म होने देते हैं। तो वो शर्म वो हया हमें भी महसूस हुई, हमारे सब साथियों को भी महसूस हुई। हर साथी ने अपना अपना इसमें हिस्सा डाला, हर साथी ने अपना अपना किरदार अदा किया। हमने ख़त लिखा चीफ जस्टिस को बजरिया रजिस्ट्रार, और उसमें उनको याद दहानी कराई कि हर शहरी का ये हक है कि उसके साथ कानून के मुताबिक डील किया जाए। हर शहरी की ज़ात, हर शहरी की ज़िंदगी इतनी मुकदम है जितनी किसी और की हो सकती है। तो आप आर्टिकल 4 का, आर्टिकल 9 का एहतराम करते हुए आप दस्तूर के कस्टोडियन हैं, आप इस मामले में इंटरफियर करें। रात को ये मामला टेकअप हो गया था और उसमें जो है वो सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग फ़ोन आ गया था कि अगर आप इधर हैं तो आप आ जाइए, कोर्ट में आ जाइए ताकि इस मामले में कोई आर्डर पास हो। फिर आर्डर पास हुआ, आपने देखा आर्डर आप तक तकरीबन पहुंचने वाला है या पहुंच गया होगा। उसमें 4 लोगों को मुअत्तल किया है। मुअत्तल करने की वजह यह है कि वो ताकतवरों से डरते हैं और वो डर की वजह से, उस खौफ की वजह से उन्होंने ये 8 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। एक झूठी FIR दर्ज की थी, वो भी बैक डेट में, वो FIR जो झूठी FIR दर्ज हुई थी वो क्वाश हो गई। नाको महराब वाली FIR वो दर्ज हो गई, 4 लोग मुअत्तल हो गए और बाकी जो इनके ग्रीवेंसेस थे, अगर इसमें कोई भी कसूरवार निकला भले उसका ताल्लुक किसी भी ताकतवर अदारे से हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार के लोग ये अंडरटेक कर रहे हैं, आपके सामने अपने आप को इस चीज़ का कर्ज़दार बना रहे हैं, मेरे समेत, सब लोगों के समेत, कि अगर बलूचिस्तान के किसी बच्चे के साथ, किसी बड़े के साथ इस तरह से आइंदा जुल्म होगा तो हम किसी तरह से मामलात को दस्तूर के दायरे के अंदर अंदर अदालतों में लेके जाएंगे और लोगों को इंसाफ दिलाने का अहद करते हैं। और ये जो वक्त था कि जी आप लोगों को मिसिंग कर दें या आप लोगों को मार दें, मेरा ख्याल है कि वो वक्त ख़त्म हो चुका। अब आपको इस दस्तूर के, इस कानून के दायरे के अंदर आना होगा। बहुत शुक्रिया। मैं जो पीछे साथी बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो बैठ जाएं अपनी जगह में,
और मैं इस तमाम तहरीक में जुड़े जो फैमिली है उन सबको खराज अकीदत पेश करती हूँ। और साथ साथ आप सब से गुजारिश है कि ये लवाकीन का फ़ैसला है कि वो अपने बच्चों की लाशें यहीं पे दफनाएंगे, तो वहाँ पे आप सब की शिरकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब लोग इस जद्दोजहद में जो हमारे साथ रहे हैं, इसके साथ साथ बलूचिस्तान की जो कौमें, उन सब से गुजारिश है कि वो इन बच्चों के जो, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं और हम इनके वारिस हैं, तो आए और इस आखिरी उसमें इनको खराज अकीदत पेश करें। शुक्रिया। अभी हम जो ये कमेटी बनी है इसकी तरफ से हम अपने जो बुज़ुर्ग मुज़हमतकार हैं उन सबको बलूची चादर पहनाए जाएंगे। लेकिन आप सब से यही गुजारिश है, जिस तरह आप अपनी जगहों में बैठे हैं, खुदा रहा वहीं बैठे रहे ताकि जो हमने तरीका कार अपनाया है वो सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ हो सके। शुक्रिया। इसके बाद जिस मीडिया के दोस्तों को कोई अगर सवाल है तो बता दें। लेकिन हम एक बार फिर कामरान मुर्तज़ा साहब का, बार कौंसल के भाई बुलेदी साहब का, एडवोकेट इमरान साहब का और स्पेशली चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का इंतहाई लवाकीन की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो काम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान नहीं कर पाया गुज़र 10 दिनों से, ये लवाकीन इस सर्दी में अपने एक नन्हे बच्चों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से उनको जो है ना कोई किसी भी तरह से दादरसी नहीं की गई, उसी काम को जो है ना मौजूद अदालत ने करके जो इन लवाकीन की दादरसी की और इनको इंसाफ की पराई में यकीनी बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी मौजूद हाई कोर्ट बलूचिस्तान, हमारे वकला साहिबान बलूचिस्तान पर होने वाले इस तरह के जो वाक़े होते हैं लोगों के साथ, उनकी इंसाफ देने के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करेंगे। बाकी जो सवाल है, जो दोस्त अगर सवाल करना चाहते हैं इस तहरीक से जुड़े हुए और उस पर्व का, उस वो जो छोटी सी भी चीज़ उसने की है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे उसने सर्दी में यहाँ बैठकर इन कमाश का और लवाकीन का साथ दिया है, उन सब का हम तहे दिल से मशकूर है। और बहैसियत एक बाशऊर कौम हमने ये साबित कर दिया है कि अगर हमारे बस में कुछ भी नहीं तो हमारे बस में मुज़हमत है, और हम हर उस ताकत के ख़िलाफ़ जो हमें हमारा आइनी और इंसानी हक नहीं देता है उसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे। ये कोई आम धरना नहीं था। इसके साथ साथ जिन सियासी अकाबरीन ने अपने बयानात से इन बच्चों की तसलील की, मैं उनसे फिर से एक मरतबा यही कहना चाहूँगी कि खुदारा इस अपने रवैये को बदले, और जो भी एहतजाज करते हैं उनकी अगर आप पहले ही दिन बात मान लेते जो इंतज़ामिया इसमें इन्वॉल्व है, तो ये यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। एक मरतबा फिर से इस धरने की लवाकीन की तरफ से, इस कमेटी की तरफ से आप सबका, जो घर में बैठे जिन्होंने हमारे लिए वो अभी भी एहतजाजी धरने और जो प्रोटेस्ट का इनेकाद कर रहे हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बस आखिर में यही कहना चाहूँगी कि मुज़हमत जिंदाबाद। आप सब लोग यहीं पे बैठे रहें, हम अपने जो बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग रहनुमा है उनको चादर पहनाएंगे, बलूची चादर। Thank you.
यार आप बैठ कुछ ज़्यादा